अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एनआरसी और सीएबी पर सियासी वार और पलटवार का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर झारखंड के चुनावों तक में इसकी धमक देखने को मिल रही है। एक तरफ छात्र सड़कों पर हैं और दूसरी तरफ पुलिस की लाठियां भी बरस रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नेता इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं। इस बीच झारखंड आरजेडी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से एक भावुक अपील की है। झारखंड में आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता अनीता यादव ने छात्रों से गुजारिश की है कि वो उग्र प्रदर्शन न करें। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पहले तो मैं देश की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करें। मैं ये भी जानती हूँ कि अभी जो देश की हालात है और जिस तरह की सरकार है उसमें शांतिपूर्ण आंदोलन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और उसको बहुत किसी भी आंदोलन को बहुत बेरहमी से दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग संयम बरतें और शांतिपूर्ण ढंग से ही आंदोलन जारी रखें। सरकार की जो नागरिकता संशोधन बिल में सुधार करके लागू करने की जो नीति है मैं उसका विरोध करती हूँ और आप लोगों के साथ हूँ। धर्म के आधार पे कोई भी नीति नहीं बननी चाहिए, वो भी भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में। हमारा पहले से ही ये रहा है, हमारा धर्म भी ये कहता है, हमारे यहाँ के महापुरुष ये कहते हैं कि शरणार्थियों को शरण दो। तो उसमें भेदभाव करना कि ये जाति और धर्म के आधार पे, ये बहुत ही गलत है। और जो भी भारतीय हैं अभी हमारे देश में, हमारे सभी एक बराबर हैं, सभी को समान अधिकार है और हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। अनीता यादव की माने तो जो हालात हैं वो बेहद चिंताजनक हैं और इन हालातों पर समाधान गुस्से या उग्र प्रदर्शन से नहीं बल्कि शांति के साथ अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने से ही निकलेगा। ऐसे में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन न करके अपनी बात को शांति के साथ सरकार के सामने रखा जाए, तभी समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।